हाय प्रेज लॉर्ड, आज एक छोटा संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, और ये खास आपके लिए है, और खास करके उन लोग के लिए जो कर्जे में है, जो भविष्य की या पैसों की समस्या में उलझे, उनको टेंशन हो रहा है भविष्य के बारे में, पैसों के बारे में। सो एक गीत बहुत अच्छा कहता है, जो कुछ और लाइन है बट मैं कुछ और लाइन में उसे गाता हूँ हमेशा। सो वो इस तरीके से कहता है वो गीत, करता है यीशु मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा, करता है यीशु मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा, आंसू के घाटियों में साथ ना छोड़ेगा मेरा, आंसू के घाटियों में साथ ना छोड़ेगा मेरा। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको त्यागेगा। उसने कहा है, आपसे वादा किया ना उसने कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं, कहा ना उसने। और आप परमेश्वर के बच्चे हो ना, सोचो ये संसार के जो माँ बाप है, इनके बच्चे इतने गलतियाँ, इतने बेकार रहते, फिर भी उनके माँ बाप उनसे प्यार करते, तो आपका परमेश्वर तो इतना भला है कि आपसे वो प्यार नहीं करता रहेगा। आप ये मत सोचे कि आपकी गलती हो और इसकी वजह से वो आपको ध्यान नहीं देगा या कर्जा आ रहा है। बाइबल कहता है कि तुम चिंता मत करो आकाश के पंछियों को, क्योंकि कई बार सुनाना बट लगता है नहीं, कई बार सुना परेशान से कुछ नहीं होता है, बट मैं आपसे कहता हूँ नहीं, आपकी चिंता है परमेश्वर पर डालो। आपको क्या करने के लिए कहा गया? प्रार्थना करने के लिए। आपके प्रार्थना में सामर्थ्य, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली, और आप धर्मी कैसे? यीशु के लहू द्वारा, आपने के कर्मों के द्वारा नहीं। आपके कर्म ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आप मसीह में धर्मी हमेशा, क्योंकि यीशु का लहू आपके ऊपर भी हमेशा है, जैसे आपने उसे विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया है आपके पापों का, पापों के लिए उद्धारकर्ता के तौर पर। सो मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी चिंता वो करेगा, अगर आपकी चिंता आप करेंगे तो वो आपकी चिंता नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपकी चिंता उस पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर समझो कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा, आपको चिंता नहीं कर रहा, तो आपने क्या किया? आपकी चिंता मुझ पर डाल, अभी ये मेरा काम है आपका चिंता करना। तो वैसे जब आपको टेंशन आए, समस्या है, कर्जा भरना है, EMI भरना है, ये करना है, वो करना है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, ये सारा अपना बोझ लेकर यीशु पर डालो। अपनी चिंता आप मत करो बट यीशु को ये चिंता दे दो, और यीशु को आपकी चिंता करने दो, क्योंकि वो आपसे बेटर करेगा और आपको वो सॉर्ट आउट भी करेगा उस चीज़ों को। सो मैं आपसे कहता हूँ, डरिए मत। अगर आज आप ज़्यादा इन समस्या से परेशान होते रहोगे, काम से, जॉब से, समस्या से, बट आज का दिन मैं कहता हूँ आपका है, इसे समझिए, इसे जानिए, यीशु आपकी चिंता करना चाहता है। बाइबल क्या कहता है? अगर हम देखिए, एक पेड़ रहता है और पेड़ में कई डालियां रहती है, बट उसमें जो भी पानी पहुंचाने का है, जो कुछ काम करता है, वो कौन करता है? जड़ करता है, वो डालियां खुद नहीं करती है। अगर वो बस पेड़ में जुड़ी रहेगी तो फ्रूटफुल होती है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर में बस जुड़ा रहना है, समस्या से हारना नहीं, चीज़ों से हारना नहीं, जितनी भी गड़बड़ी और फ्यूचर के बारे में डरना नहीं, खुद फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में, वो खुद परमेश्वर ने फ्यूचर बनाया और आप उसके बच्चे हो, वो आपका फ्यूचर अच्छा बनाएगा। शैतान ने कहा मैं डराना, डर लाना, बट यीशु ने हमेशा क्या कहा? डर मत, केवल विश्वास कर। सभी लोग डर विश्वास को मारता है, बट विश्वास क्या करता है? आपका मिरेकल और आपकी चीज़ें। और विश्वास ये नहीं कि परफेक्ट विश्वास, आप यहाँ फिर भी हो सकते हो, बट नहीं, उसकी फेथफुलता से, उसके प्यार से वो जवाब देगा और आपका जीवन बदलेगा। तो आज जो कुछ समस्या है उसे डरे मत, उसे परमेश्वर के नाम में सब सौंप दे, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। प्रार्थना करें, प्रार्थना में भरोसा करें, चिंता करने में। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा छोटा सा। प्यारे पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख करें, जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देखने पर है और देख रहे हैं, यीशु के नाम से इन्हें चिंता से मुक्त करिए। और जाकर इसी समय आपका महान हाथ इनके सर पर आए, और हम प्रार्थना करते हैं टेंशन और चिंता लेकर जाए और रिलैक्स हो, और आपके नाम में शांति हो और विश्राम करें, आप में विश्राम करें पिता, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें पिता। आपने कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। महान महिमा आपको रहते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। डरना नहीं, आप चैंप हो, आप चैंपियन हो परमेश्वर के, वो आपकी चिंता करता है, आपके लिए जान तक दे दी। क्या कर्जा नहीं देगा, या कुछ EMI के लिए पैसे नहीं देगा, भाड़े के लिए नहीं देगा, इसके सब के लिए देगा वो, आपके बच्चों की फीस से लेकर हर एक चीज़ आपको जरूर देगा। आमेन, गॉड ब्लेस यू।